तो इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। ओके, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। ओके, कि ये क्या होती है, ये होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज फॉर एनी कंडक्टर। इसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया था कि ये होता है रो एल अपॉन ए के बराबर, और रो इज द रेजिस्टिविटी। ओके, एक मटेरियल डिपेंडेंट होता है, लेंथ एंड एरिया रिप्रेजेंट द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, एंड रिमेंबर सिंबल जो यूज करते हैं हम किसके लिए, सिंबल्स जो है डिफरेंट हमारे पास होती है, बताएंगे हम आपको। जो इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो क्या है, एक वेवी लाइन। ऑलराइट, ये है रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, जिसको हम रियोस्टैट बोलते हैं, रियोस्टैट बोलते हैं, उसके लिए भी सेम है, मगर बीच में हम एक एरो बनाते हैं जो ये बताता है कि ये वेरिएबल। इसके अलावा हमारे पास एक सेल होगी, सेल वोल्टेज सोर्स होगा, उसके लिए दो ऐसे बार होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव। अगर आपके पास सेल के बजाय बैटरी होगी, बैटरी जो है इट्स अ कॉम्बो ऑफ डिफरेंट सेल्स, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, बहुत सारे सेल्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा हमारे पास की जो है जिसको आप स्विच कहोगे, उसके लिए दो सिंबल्स है, इजी। ये दिस इज ओपन की, और ये जो है अगर आपने इसको क्लोज करना है, मतलब स्विच ऑन करना है, तो तब हम बीच में इसको क्या डालते हैं, डॉट डालते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। इसके अलावा अगर आपके पास वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के लिए सिंबल हम यूज करते हैं ये, और अगर आपके पास एमीटर है, एमीटर जो है उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं क्या, ए। इसके अलावा छोटे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो स्मॉल मेजरमेंट्स देते हैं, माइक्रो वोल्ट्स, मिनी एम्पियर्स या मिली एम्पियर्स। ओके, और माइक्रो एम्पियर्स, तो उनके लिए रीडिंग होगी म्यू ए या एम ए के साथ, इनके साथ सिंबल होगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। और ये डिवाइसेस ये आपको पता है, रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता है, बैटरी सोर्स है ये, ओके, वोल्टेज सोर्स है ये, की का काम है कनेक्शन क्लोज कर देना, और ये वोल्टमीटर जो है ये क्या करता है, वोल्टमीटर का आपको पता है ये मेजर करके देता है हमें क्या, मेजर्स क्या करता है हमें, मेजर वोल्टेज जो आपने पोटेंशियल अप्लाई करा है वो। एमीटर क्या करता है, ये मेजर करता है क्या करंट, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम ये सिंबल्स का कुछ यूज हो जाएगा इधर, तो हम देखेंगे कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कैसा क्या होता है। ओके, कॉम्बिनेशन जैसे हमने कैपेसिटर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे, वैसे रेजिस्टेंस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन आते हैं, एक आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा आता है हमारे पास पैरेलल। अगेन रीजन इज से कि अगर हम एक सिंगल रेजिस्टर बनाएंगे, उसके लिए जो फिजिकल फैक्टर्स है, दैट इज आर इक्वल टू रो एल अपॉन, कीपिंग दिस थिंग कांस्टेंट, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हमने इन फैक्टर्स को चेंज करना। अगर इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया बहुत छोटा करेंगे और लेंथ बहुत बड़ी करेंगे। तो इन एनी केस फिजिकली फिजिकल डायमेंशन जो है, किसी एक को बहुत छोटा करना पड़ रहा है, किसी एक को बहुत बड़ा करना पड़ रहा है। तो अगर हमें बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो हाई रेजिस्टेंस के लिए हमें डायमेंशन भी बहुत हाईली चेंज करने चाहिए, करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, तो हम कब बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कंबाइंड, वो तभी होते हैं सीरीज में कंबाइंड जब वो एंड टू एंड जॉइंट होंगे। ओके, When resistors are joined end to end, joined end to end या head on joined, okay? एक तो ये चीज। दूसरा, इन सब में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है, करंट इज सेम थ्रू ईच रेजिस्टर,
ईच, हर किसी रेजिस्टर के थ्रू करंट जो है वो क्या होती है, सेम वैल्यू होती है, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. लेट्स से हमारे पास दो तीन रेजिस्टेंसेस है, एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, इनको हमने जोड़ा है अक्रॉस बैटरी, बैटरी रखेंगे हम यहां पे, प्राइस को चेंज करेंगे. ओके, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया या सेल के साथ कनेक्ट कर लिया है थ्रू अ की एंड एन एमीटर. ओके, हर किसी के साथ हमने जोड़ा हुआ है एक वोल्ट मीटर जो अपने अपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मेजर करके देगा हमें. ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये रेजिस्टेंस मान लो R2 है, ये रेजिस्टेंस मान लो ये कितनी है, अप्लाइड वोल्टेज इज V, दिस इज K. ओके, यहां से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां से करंट दिखाएंगे, करंट विल बी सेम. ये मान लो यहाँ पे वोल्टेज है वी वन ड्रॉप, वी टू ड्रॉप और यहाँ पे कितनी है वी थ्री. ये तीन रेजिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिए. ओके, यहां से मान लो करंट जो है वो टोटल निकलता है कितना. रिमेंबर वन थिंग, मोरी आप आगे पढ़ोगे जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे वहां पे भी, और फिलहाल थोड़ा सा याद रखो कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू अ रेजिस्टर एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. वो इसलिए क्योंकि वोल्ट मीटर, फिलहाल ये रीजन याद रखो, आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको इसका एक्चुअल रीजन पता चल जाएगा. ये रीजन फिलहाल याद रखो क्योंकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो इसको हम पैरेलल में जोड़ देते, और एमीटर को सीरीज में इसलिए ताकि हमें उसी सर का करंट चाहिए. अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट उसको अपनी रिंग का मिलेगा, ना कि इस रेजिस्टर के थ्रू कितना जा रहा है करंट. फिलहाल ये चीज याद रखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक्चुअल रीजन क्या है इसका. ओके, तो ये इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आई जो है ये टोटल करंट, ये है करंट, जो V है ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज V1, V2 and V3 जो है ये है क्या, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप्स एट किस किस पे, R1, R2 and R3 respectively. ओके, तो अगर हम देखेंगे अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे एट R1, अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास V1 आएगा I इंटू R1. इसी तरह एट R2 अगर हम देखेंगे V2 का वैल्यू आएगा I इंटू R2. एट R3 देखेंगे तो V3 का वैल्यू जो है वो आएगा किसके बराबर, IRV के बराबर. ये आ गया इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर. ओके, तो बट ये जो V है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल वोल्टेज हमने दी, टोटल वोल्टेज बेसिकली होता क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क टेक अ यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस टाइम. ओके, अब मान लो आपने 10 जूल एनर्जी खर्च हो रही है, 5 जूल इधर खर्च हो रही है, 3 जूल इधर खर्च हो रही है, 2 जूल इधर खर्च हो रही है, टोटल जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया वो टोटल यहाँ पे खर्च हो रही है, तो ये तीनों इसके बराबर आ जाएंगे सम इनका. तो पुट द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3 इन दिस इक्वेशन, वी गेट V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तो ये I जो है ये कॉमन आ जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3. इस V को डिवाइड करेंगे यहां पे तो क्या बन जाएगा, V by I, that is R1, R2, R3. But ये V by I जो रेशियो है ये आपको पता है from Ohm's law, V equal to IR. अगर ये V by I लिखोगे ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, तो ये चीज भी है ये एक रेजिस्टेंस ही है, तो ये जो है ये किसके बराबर आएगा, बट V upon I जो है इसको हम R सीरीज में है तो इक्वलेंट वैल्यू इन सीरीज के बराबर लिखेंगे, बिकॉज इट्स ऑल्सो रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर
हमारे पास सीरीज में जो सम आ गया वो किसके बराबर आ गया, R1 R2 प्लस R3। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कि अगर सीरीज में है तो हम सिंपली उनके टोटल रेजिस्टेंसेस को ऐड करके बन जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। ओके, फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा, आर एस का वैल्यू सिंपली आएगा समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन आर आई के बराबर। ओके, डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज को आप सिंपली सम करोगे, दैट विल बी द इक्विवेलेंट वैल्यू किसके लिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ओके, तो ये सीरीज के लिए है, पैरेलल के लिए आप खुद ट्राई कर लेना, मैं खाली आपको फॉर्मूला बताऊंगा क्या है। तो पैरेलल के लिए इजी होगा कि आप क्या करोगे, खुद ही ट्राई कर लोगे, ये बहुत इजी है। अगर आप पैरेलल में देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप याद रखोगे, एक्सप्रेशन को डिराइव करोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले हम ग्राफ बनाएंगे, मान लो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीन रेजिस्टेंस हमने लिए हैं, अज्यूम कर लिए तीन रेजिस्टेंस से। ओके, हर किसी रिंग में अपना अपना एक एमीटर जोड़ेंगे हम, एमीटर A1, ओके, एमीटर A2, और यहां पे हम जोड़ेंगे क्या, एमीटर A3। ये मान लो रेजिस्टेंस R1 R2, दिस इज वोल्टेज Vf, और यहां से जो टोटल करंट निकलता है वो क्या निकलता है, आई, जो वैल्यू क्लोज की। तो ये करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पे I1 जाएगा, यहां पे I2 जाएगा, यहां पे जाएगा आई, ठीक, कैसे, एज पर द किरचॉफ्स लॉस, वो हम अभी देखेंगे आगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इनमें वोल्टेज सेम रहती है अक्रॉस डिफरेंट, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स, डिफरेंट रेजिस्टेंस के अलावा वोल्टेज है वो क्या रहती है, सेम रहती है, बट करंट जो है वो क्या रहता है, डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट। और इनके लिए फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा 1/R पैरेलल इक्विवेलेंट, वो आएगा सिंपली रेसिप्रोकल का सम। ये आप खुद ही कर सकते हो, बहुत इजी है। प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हैं आपने, सिंपल एक स्टेप बताता हूं मैं, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, ये आप खुद करोगे, वो ये कि यहां पे अप्लाई करोगे ओम्स लॉ, अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे तो V इक्वल टू I1 R1 आएगा, यहां से I1 का वैल्यू आएगा V अपॉन R1, इसी तरह यहां से I2 का वैल्यू आएगा V अपॉन R2, यहां से I3 का वैल्यू आएगा V अपॉन R, और फिर फॉर्मूला यूज करना है, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट अलोंग डिफरेंट विंग्स, सो दैट विल बी V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ओके, तो ये आएगा आई, यहां से फाइंड करोगे आप ये वाला एक्सप्रेशन, बहुत इजी है, ये आपको ट्राई कर सकते हो। ओके, बट रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस डिफरेंट विंग्स, बट करंट जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ये करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, इसके लिए हमारे पास कुछ लॉज है जिनको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ओके, अब जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास हमेशा क्या होगा कि या तो पैरेलल होगा या सीरीज होगा, कभी कभी आपको बहुत मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकती है, मिक्स कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है। मिक्स कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, देखो कैसे, आपके पास ऐसे रजिस्टर है एक, ओके, इसके पैरेलल में जुड़ा है, ओके, इसके पैरेलल में जुड़ा है, इसके यहां पे सीरीज में जुड़ा है, ओके, तो ये कॉम्बिनेशन कैसी भी हो सकती है, नॉट नेसेसरली कि ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज होगा या सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होगा। ओके, अच्छा,
इसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉस, किरचॉफ्स लॉस। उसके बाद देखेंगे कि बाइफरकेशन ऑफ करंट कैसे होती है एट डिफरेंट जंक्शंस। किरचॉफ के हैं दो लॉस है हमारे पास, ओके। पहला लॉ है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या रूल बोलते हैं इसको, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या लॉ बोलो, ओके। इसका स्टेटमेंट सिंपली क्या है कि अगर आप किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जाओगे, क्लोज्ड सर्किट में जिसमें वोल्टेज सोर्स होगा और वोल्टेज कंज्यूमर होगा, रेजिस्टर होगा, तो अगर आप उसमें कंप्लीट चक्कर लगाओगे, सम ऑफ द वोल्टेज प्लस लॉस ऑफ द लॉ, गेन एंड लॉस इन द वोल्टेज का टोटल सम हमेशा जीरो आएगा। मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, ओके। फिर आगे जाएंगे हमारे पास और एक रेजिस्टेंस है, फिर आगे जाएंगे अभी हमारे पास एक बैटरी है, ओके। तो इस सर्किट में अगर आप जाओगे, ये है आर वन, ये है आर टू, ये है बैटरी, बी करंट जा रहा है इसमें आई। तो किरचॉफ का रूल क्या कहता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से यहां से यहां से यहां से जहां से स्टार्ट करना है करो, पूरा चक्कर मार के आओ इस सर्किट के अंदर। तो जो देखो, ये है वोल्टेज सोर्स, यहां से वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, यहां पे वोल्टेज खर्च हो रही है, तो ऑल सम ऑफ द टोटल वोल्टेज गेन्स जो हम ऐड कर रहे हैं प्लस वोल्टेज लॉस जहां पे खर्च हो रही है, उन टोटल सम, उनका टोटल सम जो है वो कितना आना चाहिए, जीरो आएगा, ओके। तो मतलब अगर हम देखेंगे इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज गेन्स एंड लॉसेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ये जो लॉ है, ये है बेस्ड किसके ऊपर, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि पोटेंशियल जो है दैट्स एक्चुअली वर्क डन, ओके। तो मतलब क्या, आप जितना वर्क किधर सप्लाई कर रहे हो उतना वर्क खर्च होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ना कोई वर्क बनना चाहिए अपने आप, ना कोई वर्क गायब होना चाहिए हमेशा के लिए, ओके। तो इट्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लो अगर आपने 10 जूल दिए चार्ज को एनर्जी यहां से आ जाने के लिए, 10 जूल में से अगर यहां 6 जूल खर्च होंगे, यहां 4 जूल खर्च होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई जूल खर्च ही नहीं हुआ, यहां पे 1 जूल हो गया बाकी बच गया। टोटल सम जो जितना आप दे रहे हो वोल्टेज को, जितना ये खर्च कर रहे हो, उन सबका सम जो है वो क्लोज सर्किट जो है जीरो होना चाहिए। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, दिस सम प्लस दिस सम प्लस दिस सम जो है वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब यहां पे अगर आप बताओगे वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वी वन आएगा आई इन टू आर वन, यहां पे देखेंगे वी टू जो है वो आएगा आई इन टू आर टू। अब यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, इसको अप्लाई फॉर्मूला लिखने के लिए एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। वो क्या है कि अगर आप जा रहे हो, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो या ऐसे याद रख लो, जहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हम लेते हैं नेगेटिव, और वोल्टेज गेन जो है वो क्या लेते हैं हम, वोल्टेज गेन जो है वो लेते हैं हम पॉजिटिव। ये दो साइन कन्वेंशन खाली इतना ही याद रख, जहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है नेगेटिव, गेन हो रहा है तो नेगेटिव। अभी वोल्टेज ड्रॉप और गेन का कैसे हो रहा है ये पता चलेगा आपको, इधर हम थोड़ा बड़ा सर्किट बनाएंगे ऐसे ही। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहां पे हमने ओवर एक रेजिस्टेंस ली है, यहां पे हमने बैटरी कनेक्ट करी है, ये है हमारे पास ऐसा, ओके। ये वोल्टेज बी, यहां पे रेजिस्टेंस आर वन, यहां पे रेजिस्टेंस कितनी है आर टू। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, चल रहे हैं आगे, करंट आ जा रहा है, यहां पहुंच गए, करंट यहां से आ जाएगा। करंट कहां से कहां जाता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके। अगर करंट यहां से यहां जा रहा है, मतलब इस साइड हायर पोटेंशियल है, इस साइड लोअर। अगर आप हाई से लो जा रहे हो तो ड्रॉप हो रहा है, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है,
और वोल्टेज जहां पे ड्रॉप होगी वहां पे वैल्यू क्या लेंगे वोल्टेज का, नेगेटिव। तो यहां पे जो वी वन का वैल्यू आएगा माइनस लेंगे आई इन टू आर वन। साइन कन्वेंशन की बात करें, आगे चलेंगे यहां पे, अभी भी करंट आगे ही जा रहा है, अगर यहां से यहां जाएगा तो यहां पे भी हायर से लोअर जाएगा, ड्रॉप हो रहा है तो यहां पे वोल्टेज जो है वो आएगी माइनस, सॉरी इट विल बी माइनस आई आर टू के बराबर। आप पहुंचेंगे इस टर्मिनल, यहां जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लोअर से जाएंगे हायर की तरफ, तो गेन हो रहा है, तो यहां पे जो वोल्टेज का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। नाउ लॉस इज कि इन सबका सम आना चाहिए जीरो के बराबर, तो हम लिखेंगे किसके बराबर, वी, अब ये तो नेगेटिव साइड है, माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। ओके तो यहां से आप वी लिख सकते हो, ये किसके बराबर, आई आर वन प्लस आर टू आई कॉमन लेके, यही आपने ओम्स में भी पढ़ा। सो रिमेंबर द साइन कन्वेंशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ कंजर्वेशन एनर्जी, हाउ, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वर्क यू गिव टू द चार्ज एट दिस प्लेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट दिस टू प्लेसेस, these are the sources of voltage, these are the sinks for this voltage, okay? Second law जो है इसका बहुत छोटा सा है, जिसको हम बोलते हैं current law या current rule, वो junction rule भी कहते हैं उसको, बहुत easy है, दो second का काम है, कि दूसरा जो है वो है हमारे पास क्या, Kirchhoff's current rule, इसको हम बोलते हैं junction rule। जंक्शन रूल क्या है, किसी जंक्शन के लिए होगा, जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारे वायर जो है वो क्या हो रहे, मीट हो रहे हैं। ओके मान लो यहां से करंट यहां पे मिल रहे हैं आगे जा रहे हैं। ओके मान लो हमारे जो घरों में लगा होता है वो बोर्ड जो होता है, ओके एक्सटेंशन बोर्ड लगा है, एक्सटेंशन बोर्ड पे एक साइड से करंट आ रहा है, फिर दो चार हमने प्लग्स लगाए हैं वहां से करंट जा रहा है, तो मान लो अभी हमने दो लिए है, यहां से करंट आ रहा है आई वन, यहां से करंट आ रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन आई, यहां से बाहर जा रहा है करंट आई थ्री और यहां से बाहर जा रहा है करंट आई। रूल सिंपल ये कि द सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। स्टेटमेंट क्या है इसका, सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स एट ए जंक्शन is always zero, okay? या ऐसा हम बोलते हैं indirectly, there is no accumulation, there is no accumulation or production of charge at junction. ये जंक्शन पे ना तो कोई चार्ज जमा होती है ना तो कोई चार्ज इधर पैदा हो रही है, जितनी आ रही है उतनी आगे जा रही है। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, दिस I1 प्लस I2 ये इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट, अगर ये पॉजिटिवली आपने तो उसके डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस आई थ्री माइनस आई फोर इन सबका सम जो है वो क्या आएगा। अगर आपने एक साइन कन्वेंशन सिंपल ले, इनकमिंग को पॉजिटिव लिया था आउटगोइंग को हम लेते हैं नेगेटिव, ओके तो I1 प्लस I2 इनकमिंग माइनस I3 माइनस I4 आउटगोइंग, टोटल सम जो है वो किसके बराबर, जीरो। या इंडिरेक्टली हम ऐसा बोलते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, वही से आप ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हो, ओके। और ये जो लॉ है इट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। ये लॉ जो है ये बेस्ड ऑन किसके ऊपर, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। क्यों कंजर्वेशन चार्ज क्यों, क्योंकि अगर यहां से मान लो 10 कूलम और 10 कूलम आ रहे, अगर यहां जाएंगे 5 और 5 बाकी 10 कूलम जो है वो गायब भी हो गए, तो मतलब चार्ज तो 20 कूलम आ रही है मगर बाहर जा रही है 10 कूलम, 10 कूलम गायब हो रहे। तो बट ऐसा नहीं होता, यहां अगर 10 आ रहे 10 आ रहे, यहां पे मान लो यहां जाएंगे 20 मगर बाकी जो बचा है वो यहां पे जाएंगे, और अगर अपने यहां पे 20 कूलम आ रहे हैं 10 कूलम टोटल 30, यहां पे जा सकते हैं 25 कूलम, यहां पे जाएंगे 5 कूलम, तो टोटल सम ऑफ द चार्ज जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, या इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, टोटल वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दिस किरचॉफ्स करंट रूल जो है ये बेस्ड किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। और ये चीज आप सर्किट में कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम जो मैंने अभी आपको पहले बताया था
कि मान लो आपके पास ये आ रहा है करंट, अब इसके दो विंग्स निकल रहे हैं, यहां पे एक रेजिस्टर लगा है, यहां पे एक रेजिस्टर लगा है, ओके, तो क्या होगा, यहां से करंट आ रहा है I, यहां रेजिस्टेंस है R1, यहां रेजिस्टेंस है R, तो यहां पे अगर करंट जाएगा I1, बाकी जो करंट बचेगा I माइनस I1 हो जाएगा दूसरे विंग, ताकि टोटल सम इनका इनकमिंग एंड आउटगोइंग का सम जो है वो क्या आना चाहिए, इक्वल। देखो कैसे, इनकमिंग इज I, ओके, आउटगोइंग इज I1 प्लस I माइनस I1, ये और ये कैंसिल, ये भी बचेगा, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स मस्ट बी इक्वल, ओके। तो करंट ब्रेक जो है वो, और ये जो कन्वर्जन ऑफ दिस प्लेनर रेजिस्टेंस इनटू स्टार फॉर्मेशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।